पोको के फैन है ऑब्वियसली, ये कैसा क्वेश्चन कर दिया मैंने, तभी तो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। दोस्तों आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो लाइक के बटन को प्रेस जरूर से कर दे, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहिए क्योंकि पोको की तरफ से मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पोको F1 आया था 22 अगस्त 2018 में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन रहा था, काफ़ी सारे लोगों ने परचेज किया था, इवन आज के टाइम पर भी लोग उसको काफ़ी ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग उस टाइम पर वेट कर रहे थे कि पोको F2 आएगा तो हम परचेज करेंगे दूसरा स्मार्टफोन पोको का। लेकिन दोस्तों इंतजार करते करते लोगों का 2019 पूरा निकल गया, 2019 में पोको F2 नहीं आया। लेकिन दोस्तों 2020 में भी आपको पोको F2 स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन पोको F2 लाइट कन्फर्म हो गया है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पोको F2 लाइट और पोको F1 में दोनों में क्या क्या अंतर है, सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जब फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये शिओमी का पोको आया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन रहा था, लेकिन दोस्तों अब पोको अलग हो गया है। जैसे कि आपको पता है ओप्पो का सब ब्रांड क्या है, रियलमी, कितने अच्छे अच्छे फ़ोन लेकर के आ रहा है, वैसे ही सेम शिओमी वालों ने भी किया है कि पोको को अब अलग कर दिया है। पोको के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको 2020 में देखने को मिलेंगे, पोको F2 भी देखने को मिलेगा, पोको F2 लाइट देखने को मिलेगा, पोको F2 प्रो भी देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे फ़ोन आपको 2020 में पोको की तरफ से देखने को मिलेंगे क्योंकि पोको अब अलग हो गया है। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले पोको F2 लाइट की डिज़ाइन और डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच की यहाँ पर आपको फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और ये डिस्प्ले आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। पोको F1 आया था उसमें भी नॉच डिस्प्ले थी लेकिन वो बड़ी नॉच थी, इस बार उन्होंने छोटी नॉच दी है। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी बैक की, तो बैक में आपको यहाँ पे जो पोको F1 में डिज़ाइन देखने को मिल रही थी वही सेम इस बार भी यहाँ पे आपको बैक में डिज़ाइन देखने को मिलेगी। पोको F1 में आपको डुअल बैक कैमरे देखने को मिले थे, लेकिन पोको F2 लाइट में आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरे सेंसर देखने को आपको मिल जाएंगे। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बैक और फ्रंट दोनों में ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात यह है कि यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई है और ना ही आपको यहाँ पे बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है फिजिकल वाला, तो अब देखना ये है कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कहाँ आएगा। वैसे दोस्तों एक ही जगह बची है, जो बची है वो पावर बटन वाली, हो सकता है पोको F2 लाइट में आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाए पावर बटन वाला। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको कमेंट में बताएं। बैटरी दोस्तों पोको F1 में आई थी वो 4000 mAh की आई थी, लेकिन आपको पता है कि पोको F1 का सक्सेसर बनकर के आ रहा है तो इस बार इन्होंने इसमें बैटरी 5000 mAh की दी है। USB टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा, फास्ट चार्जर का भी आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, कितने वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। दोस्तों पोको F1 के सक्सेसर की अगर बात की जाए ना, तो सबसे बड़ा उसका एडवांटेज जो फीचर्स था ना उसका था वो प्रोसेसर। उस टाइम पर वहां पे उन्होंने लेटेस्ट प्रोसेसर दिया था क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845, और जो कि उस टाइम पर लेटेस्ट था और इतनी कम प्राइस में कोई भी कंपनी ने नहीं दिया था, इसीलिए पोको F1 बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। पोको F2 लाइट में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो स्नैपड्रैगन का 765 आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये इस टाइम पर स्नैपड्रैगन का कुछ नया प्रोसेसर है और वो आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, तो फिर से प्रोसेसर अच्छा रहने वाला है पोको F2 लाइट का भी। हाँ दोस्तों आपको ये दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 6GB 64GB और 8GB 128GB, ऐसा ये रूमर्स के द्वारा कह रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है लेकिन रूमर्स ऐसे ही हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे पोको F2 लाइट के कैमरे के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ दोस्तों पोको F1 में आपको बैक में डुअल कैमरे देखने को मिले थे 12 MP का प्लस 5 MP का, फ्रंट आपको देखने को मिला था वो 20 MP का देखने को मिला था, और इस बार पोको F2 लाइट में आपको जो कैमरे देखने को मिल रहे हैं बैक में आपको ट्रिपल कैमरे देखने को मिल रहे हैं, क्लियर नहीं है कि कितने मेगापिक्सल के देखने को मिलेंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है वो 64 MP का सब प्राइमरी सेंसर रहने वाला है, और अगेन जो आपको दूसरा सेंसर देखने को मिलेगा वो वाइट एंगल का रहने वाला है, और लास्ट आपको देखने को मिलेगा वो टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ये उसका सक्सेसर बनकर के आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फ्रंट में 25 MP या 32 MP की सेल्फी देखने को मिलने वाली है,
और दोस्तों लॉन्च डेट की बात करें तो मनु कुमार जैन जो इसके हेड है उन्होंने कहा है कि आपको 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिल जाएगा। जहां तक एज फार एज आई नो ये आपको फरवरी या मार्च के महीने में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। प्राइस दोस्तों इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो 17,000 से 18,000 रुपये के आसपास रहने वाली है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और इतनी प्राइस में आएगा दोस्तों तो ये फिर से देखना बवाल मचाने वाला है। वैसे दोस्तों आपका क्या ख्याल है, क्या आप लोग वेट कर रहे थे पोको के किसी फ़ोन का, हमें कमेंट में जरूर से बताओ। और हाँ दोस्तों मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि पोको 2020 में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जैसे कि रियलमी करता है। और अब दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि रियलमी अच्छे फ़ोन लेकर के आएगा, पोको लेकर के आएगा और Xiaomi तो पता है आपको लेकर के आता ही आता है। तो डेफिनेटली 2020 में कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा फायदा रहने वाला है। दोस्तों आपने मन बना लिया था कोई 2020 में पोको का फ़ोन खरीदने का तो आप पोको की तरफ से फ़ोन खरीद सकते हैं क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आपको 2020 में देखने को मिलने वाला है। चले दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और हाँ चैनल पे बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके और बेल वाले आइकन को प्रेस करो। हाँ दोस्तों इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें, ऐसे लोगों के साथ जो 2020 में कोई पोको का फ़ोन खरीदने वाले हो क्योंकि पोको के बहुत ज़्यादा फैन थे दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।